family now, please come here. Everybody please come. ये मैंने पंजाबी हिंदी में बोल दिया. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ramani. Happy birthday to you. भाई कैमरा रहा. प्रसाद चढ़ाते रहो धीरे धीरे. हेलो प्रसाद भाई. हेलो आवाज आ रही है माइक में क्या? जन्नत मैम आप लोग जन्नत सोलो करते रुको एक मिनट. जन्नत यहाँ पे किचन एक मिनट रुको विजुअल ले. जन्नत यहाँ पे जन्नत इधर लेफ्ट. मैं यहाँ आया जसलीन यहाँ पे सर यहाँ पे सर विजुअल विजुअल थैंक यू बेट. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. इधर तो पूरा वो मिल रहा है. राम जी भी है फॉर द पिक्चर ना. हाँ 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 क्रॉस करो ना थोड़ा. मैं काम कर रहा हूँ ना. क्या आसन कर रहा है? परफेक्ट भाई तू मार ले फिर मेरे को बता. हाँ बाप सामने देखिए सब लोग सामने देखिए सामने देखिए. Everyone in this camera first. Ramji, yahan par hai flash. Right to left. Right to left. बोल दिया. अरे आसिम जरा लाइट आ रहा है. अभी सेंटर. वो कौशल भाई. हो गया. सर ग्रुप भाई. थैंक यू. चलिए. गाना हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे एंड फाइनली वी डिसाइडेड टू डू द सॉन्ग. एंड जहाँ पे टीम 07 की बात आती है दे हैव सच गुड फैन फॉलोइंग एंड विद गुड फैन फॉलोइंग इट्स एन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव एन सोशल मैसेज. जैसे आपने सुना है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जहाँ इनकी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है हमने सबने डिसाइड किया कि हम जब भी गाना करेंगे हम एक सोशल अवेयरनेस और सोशल मैसेज के साथ गाना करेंगे जो यूथ को अपील करेगा बिकॉज देयर फैन फॉलोइंग डायरेक्टली अपील्स टू द यूथ. सो विद नज़र ना लग जाए वी एब्सोल्युटली कम अप विद एन आइडिया टू गिव एन सोशल मैसेज ऑफ सेइंग नो टू ड्रग्स एंड सेइंग यस टू लाइफ. और बहुत दिल से गाना बनाया हम सब ने. बहुत मेहनत की है इसके बट ये आपके बिना नहीं हो पाता. हाँ हाँ पाजी पाजी बता रहे थे. पाजी पहले मतलब हम लोग से पूछ रहे थे कि सॉन्ग करना है तो हम लोग को पूछे कि पार्टी सॉन्ग करे कि क्या करे. तो फ्रेंडशिप डे आने वाला था. फ्रेंडशिप डे के दिन वो टाइम पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिर
डिले हो गया और पार्टी सॉन्ग नहीं, मैं बोला कि अभी जैसे हम लोग इतने टाइम से चालू है और पार्टी सॉन्ग तो करते रहेंगे, पर पहले कुछ कोई सोशल कॉज के लिए अगर गाना करेंगे और हम लोग के मतलब जो बॉन्डिंग है वो शो कर पाए कोई इमोशनल सॉन्ग, तो पाजी फिर ये गाना लिखे। सॉन्ग की लॉन्च डेट थी 24 की और हम लोग ये 24 को ही लॉन्च करने वाले थे, लॉन्च होने वाला था एक्चुअली, बट हम लोगों का ये था कि हम लोग शूट पे थे मैं और राम जी आर्मेनिया में नेक्स्ट सॉन्ग की, तो उस वक्त हमको पता चला कि हमारा सॉन्ग लीक हो चुका है। ये एक्चुअली किसी को पता नहीं है, ये बात किसी को, हाँ ये बात किसी को पता नहीं है और हम लोग उस वक्त बहुत घबरा गए थे कि मतलब पहले ही वायरल हो गया तो पता नहीं व्यू जाए नहीं जाए, लोग पहले ही देख लेंगे, तो वो तो अच्छा है कि वीडियो में जो वायरल हुआ था उसमें सस्पेंस नहीं आया जो था, तो उस वक्त फिर हम लोग ने सोच लिया और डिसाइड कर लिए थे कि रात में ही हम पूरी तरीके से प्लान करके सुबह अच्छे से सब जगह सबको भेज के, और उस चीज़ का हम लोग ने प्रीमियर भी कराए यूट्यूब पे और उसे अपलोड करे, और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब बहुत अच्छा हम लोग को एंगेजमेंट भी आया और बहुत अच्छा व्यू भी आया हम लोगों को यूट्यूब पे। बहुत अच्छा था गाने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लगा इन लोगों को, और मतलब हम लोगों को मतलब शूट का इतना सुबह उठने की आदत नहीं है जो कि हम लोगों ने आदत में लाए उस चीज के, अलग ही एक्सपीरियंस है। और पहली बात तो वहाँ का क्लाइमेट, मतलब कभी गए नहीं थे, फर्स्ट टाइम गए थे और शूट वहाँ पे, वहाँ का इतना वहाँ का क्लाइमेट, इतनी गर्मी, और मैं बीमार पड़ गया था लास्ट में, जो वो सीन है ना वो मरने वाला, वो सही में मेरी हालत वैसी हो गई थी, लेकिन बच गया अदनान। तो अगले सवाल आने से पहले एक बार अगर साथ मिलकर गाना अगर आप लोग गा दें, जरूर। 1 2 3 गो। नजर न लग जाए कदी सदी आरियानू, नजर न लग जाए कदी सदी आरियानू, वक्त ने जो तो भी आजमाया यार मेरे नाल मेरे खड़े ने, जद शूलेस बंदे नहीं आंदे सी ओ दो ते होए मेरे नाल बंदे ने, मेरे ले नहीं मंगदा यारा नहीं दुआवा, रब्बा बुरी नजरों से बचाई सड़ी यारियां ने, नजर न लग जाए। डेब्यू की बात है तो मेरे ग्रुप पे मुझे मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग की एक्टिंग लेवल बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है, तो पाजी को भी ऐसा करके इन लोग एक बार बताने की जरूरत है बस। हाँ, नहीं इन लोग को जरा भी ऐसा नहीं लगा दैट दे आर वर्किंग विद देम फॉर द फर्स्ट टाइम, इन लोग इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं और जब हम सेट पे भी रहते हैं इन लोग इतने इनोवेटिव और इतने क्रिएटिव हैं, अपने आइडियाज भी साथों साथ इतने दे देते हैं, पाजी ऐसा नहीं ऐसा करते, पाजी ऐसा नहीं ऐसा करते, तो जो हम लोग की मिलजुल के वो जो कॉम्बिनेशन बना है वो आपको इस वीडियो में दिखा रहेगा, एंड ट्रस्ट मी ये आपने वीडियो देखा और बहुत कुछ आने वाला है, एंड यू गोइंग टू लव देम, एब्सोल्युटली लव देम। हमने पूरा वीडियो मिलजुल के बनाया है सारे आइडियो के साथ, सारे एक्टिंग के साथ, दे आर फैंटेस्टिक एक्टर्स, एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई एंटायर टीम यूनाइटेड वाइट फ्लैग, जो वीडियो का पार्ट है मैं, ऑडियो टीम, फॉर बींग देयर, एंड दे आर फैंटेस्टिक एक्टर्स एंड मोर देन एक्टर्स, ये बहुत ही अच्छे इंसान है सारे के सारे। थैंक यू सो मच। हाँ, सवाल आपसे है, क्या है, कुछ समय पहले कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से टिकटॉक पर से टीम 07 को जो है बैन किया है, हाँ, उसके बावजूद आपने इनको लेकर के वीडियो, हाँ, बनाया, वीडियो सॉन्ग बनाया, हाँ, क्या ऐसा प्रॉमिसिंग लगा इनके अंदर और आज 3 दिन हो चुके हैं गाना बहुत ट्रेंडिंग पर है। हाँ, मैं जब इनसे जुड़ा था, इनसे दिल से जुड़ा था, दिमाग से नहीं जुड़ा था, तो आज भी जुड़ा हूँ, कल भी जुड़ा रहूँगा, मरते दम तक जुड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच। ये हम लोग का प्यार है, सो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट जो लोग सोचते नहीं सोचते हैं, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, दे वेरी नाइस पीपल बाय हार्ट बाय नेचर। और जहाँ टिकटॉक का सवाल है, टिकटॉक बंद इन सबका बैन हो गया ना, तो भी आप देखो विदाउट टिकटॉक हमारा गाना तीसरा दिन है ट्रेंड कर रहा है, सो दैट्स हाउ पीपल लव देम, ये लोगों का प्यार है इनके लिए, एंड ये आज सबको दिख रहा है, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है। और सर, आप लोगों की दोस्ती की और टीम 07 की क्या खास बात है, क्या यूएसपी है, अगर थोड़ा सा हमारी दोस्ती और हमारी खास बात ये है कि हम हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा रहे, लेकिन
वही तो चाहिए था। नहीं, हम चाहते थे कि लोग कनेक्ट हो गाने से, और आप देखो कि एक एक सीन जो डिज़ाइन किया है शुरू से लेके अंत तक, आप किधर ना किधर अपने फ्रेंड्स को रिलेट करोगे और किधर ना किधर आपको उनकी याद आएगी, आप इमोशनली इस गाने से जुड़ोगे। और साथ ही साथ जो हमने एक मैसेज देना चाहा, जैसे अदनान जो इनका सीक्वेंस है गाने में, सो दैट इज़ ए मैसेज टू द यूथ की से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाइफ, से यस टू योर फ्रेंड्स, इफ़ यू लव योर फैमिली, इफ यू लव योर फ्रेंड्स, यू हैव टू स्टॉप डूइंग ड्रग्स। तो ये हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे आज के यूथ को, क्योंकि पूरी टीम 07 की फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है यूथ में, एंड यूथ का कनेक्शन इतना हुआ है, वी गॉट मोर देन 1 लाख हाउ मेनी कमेंट्स, 1,30,000 कमेंट। या आगे आने वाले समय में इस तरीके का और कोई इनिशिएटिव, जिस तरीके से आपने एल्बम जो बनाया है ये ड्रग्स के ऊपर में, से नो टू ड्रग्स, आगे और क्या प्लानिंग्स है? इंशाल्लाह और भी नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है, तो हम लोग एक मॉरल मैसेज के साथ में आएंगे। यस यस, सिर्फ एक ही टॉपिक को लेके नहीं, हम लोग अलग अलग आइडियाज अभी, जैसे अभी ड्रग को लेके है, तो आगे चल के कुछ और ना, वो जब आएंगे, जब बन जाएगा तब आपके सामने सरप्राइज लेके आएंगे ना, अभी बोल देंगे तो सब मजा खराब हो जाएगा। नहीं, मैं बिग बॉस तो नहीं जा रहा हूँ। नहीं, मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, नहीं। ये रियल लाइफ में बिग बॉस बने हुए हैं। हाँ, मैं तो चाहता हूँ, मगर मैं अपने दोस्तों को छोड़ के नहीं जाना चाहता। अगर हम पाँचों को बुलाएंगे तो मैं जरूर जाना चाहूँगा। क्या शादान, नहीं वो आ रहा है, वो आ रहा है, बहुत ज्यादा बहुत मिस कर रहे हैं, और उसे गुस्सा भी कर रहे हैं हम लोग, उसका भी गुस्सा भी कर रहे हैं। पर ओके, आप लोग इतने फेमस हो गए, जहां फेमस की बात आती है वहां ट्रोलिंग भी काफी होती है, आप लोग ट्रोलिंग कैसे मतलब हैंडल करते हैं? तो जो हम लोग अगर ट्रोल हम लोग जो देखते हैं, तो हमको यही लगता है कि मतलब हाँ, ये कि ये ट्रोल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम फेमस हैं, तो वो ट्रोल से हम और फेमस होते हैं। तो जो लोग हमारा ट्रोल करते हैं, तो हमें खुशी होती है कि मतलब कुछ हमें हमारे अंदर ऐसा कुछ देखे तभी ट्रोल कर रहे हैं। देखो खुद ही से बोल रहा है, वो शरमाता है, मैम बुला रही है, बुला लीजिए ना केक, राहुल क्या बोलो, ये लोग केक ही रेडी कर रहे हैं। भाई आज भाई आप बीच में राम जी कट कटिंग करिए, अभी अभी एक कट कर रहे, एक चलना चलेगा चलेगा। यस 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 यस, वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग ट्रेंडिंग नाउ, सेलिब्रेट द बर्थडे लेटर, थैंक यू। सो वी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी कि दिस द थर्ड डे एंड वी ऑन नंबर वन ट्रेंडिंग, सो नजर न लग जाए हम सबको। सो गाइस राम जी सब लोग एक बार ऊपर देखिएगा यार, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, राम जी ऊपर वक्त ने जितो भी आजमाया, यार मेरे नाल मेरे खड़े ने बंद दी कर। तो
राम जी विल सिंग द मुखड़ा. अरे ना ना मेरे नाल मेरे खड़े ने जदो शूले से बंदे ने रियो देसी वो दो तो हुए मेरे नाल बड़े ने मेरे लिए नहीं मंगदा मंगदा यारा ले दुआ. So he we don't have a professional relationship, you also know it. So we don't have a like professional relationship, it was always personal, and I've also done a lot of songs for him. So and I'm waiting to do a song with Varun and very soon. So I've come for his birthday. Obviously I wish success for the song as well, but then his he's born today, so he's so very much. Special. I think Divya made me introduce to Ram. And he's really special to Divya, and I know why. What humble, what sweet, and whatever he creates is a success in today's date. And obviously, ye gaana bhi kaafi acha karna hai, so all the best for future films. Varun, Divya, I would like to take wishes for United White Flag also. Okay, for sure. United White Flag, I still remember this. He had told me, I think 3 years back, he had told me that, you know, we have done few songs, but I want to make this label very big, and you know, people should know this label as much as they know the stars and the music and me, especially as an individual. So yeah, it is getting bigger day by day, and I'm really happy. And this is just the start. It'll get a lot more bigger. Oh, thank you so much. Thank you. अच्छा, birthday wishes तो है उसके साथ में, बाकी इतना अच्छा गाना है और बाकी नजर ना लग जाए. तो रामजी गुलाटी, congratulations for your song और ऐसे अच्छे अच्छे गाने देते रहो, हम ऐसे ही सुनते रहेंगे. बेस्ट ऑफ लक. पहले तो पहली बात ये होगी कि नज़र ना लग जाए. और राम जी भी ट्रेंड कर रहे हैं. इनका जब भी गाना आता है, तीन गाने आए मेरे घर, तीनों गाने ट्रेंड किए. कुछ तो बात है लाइफ में, ब्लेसिंग भी, और आप और जो मेहनत है आपकी कामयाब होती है. तो आप इनका बर्थडे भी आज इनका, तो मेरे तो क्लोज है, मतलब वी आर फैमिली. तो हमेशा ब्लेसिंग साथ में रहती है कि कुछ और बड़ा हो और कर रहे हो. मेहनती बहुत है और डेडिकेशन बहुत है इनकी हर काम में, तो वो मुझे बहुत पसंद है. मैं भी ऐसी हूँ एक्चुअली आपसे ही. तो आगे भी गाने आते रहे और ट्रेंड करते रहे. ट्रेंड करना, और इनके खास में इनके अपने चैनल से गाना रिलीज़ किया था नज़र ना लग जाए. तो अपने चैनल से आज बड़ी बड़ी कंपनियों के दौर में अपने चैनल से गाना रिलीज़ करना और गाने का ट्रेंड हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है हमारे. गॉड ब्लेस यू. मैं यूनाइटेड वाइट फ्लैग, फ्लैग है कि फ्लैग है, फ्लैग तो उड़ता रहे झंडे की तरह, मैं बोला चढ़ाइयाँ करता रहे. थैंक यू वेरी मच. बहुत एक्साइटमेंट है. अब आज उनका बर्थडे है, तो एक तो वो खुशखबरी है और साथ में इनका गाने की सक्सेस हुई है इतनी ज़्यादा, तो बहुत अच्छी बात है. गाना अभी भी ट्रेंडिंग पर चल रहा है, तो लोग प्यार दे रहे हैं. मैं राम जी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी उनके गाने के लिए, उनके सक्सेस के लिए. एंड आई होप कि वो और ऐसे ही गाने बनाते जाए और ऐसे ही व्यूज और सक्सेस उनको मिलती जाए. बैक टू बैक उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो अच्छा है. वो इतने टाइम से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, सो हम चाहते हैं कि और भी बनाते रहे सबके साथ. सही बात. इट वॉज ग्रेट यार, लाइक ऐसा देखना वीडियोस में, लाइक हमारे ही फ्रेंड्स हैं सब, हमारे फ्रेंड्स को ऐसा वीडियोस में आते हैं ना, म्यूजिक वीडियोस में आते हैं राम जी के साथ, तो बहुत अच्छी बात है वो. एंड या हैप्पी होते हैं राम जी ऑफकोर्स. और एक्टिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है और इतने फेमस है उनके ग्रुप को, लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं टीम 07 को. उनके टिकटॉक्स भी बहुत अच्छे होते हैं. उनके टिकटॉक भी अच्छे होते हैं और ग्रुप को ही लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो जब सब साथ में आए तो सबका प्यार वो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए अभी तक देखो आप ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं. दैट्स हाउ आई वांट अ फ्रेंडशिप टू बी, लाइक फ्रेंडशिप उनका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड स्क्रीन पे दिखता है साथ में, तो वो एक बहुत अच्छी बात. वेरी नाइस ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ. टिकटॉक की बात की जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको अपना टैलेंट शोकेस करने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप, किस नजरिए से देखते हैं टिकटॉक? मैं तो खुद टिकटॉक बनाता हूँ यार, तो लाइक मेरे तो टिकटॉक मतलब अभी एज देखा जाए तो इंडिया का नंबर वन ट्रेंडिंग ऐप इज टिकटॉक. सो लाइक व्हाई नॉट, पीपल आर गेटिंग फेमस, पीपल आर गेटिंग लाइक मोर एंड मोर ऑफ रीच एंड व्यूज इन द ऑडियंस.
So like, why not? Everyone should make TikTok, and if they want to be like famous, you should make TikTok. Because when I travel so much, I also notice people. Like you are watching at the airport, or here you are watching. I see normal, every age group people. TikTok use करना बहुत ज़्यादा easy हो जाता है सबके लिए क्योंकि YouTube में आपको search करना होता है ढूँढनी होती चीज़ें TikTok आपने खोला और बस आप swipe करते हो आपको चीज़ें अपने दिखती रहती हैं बस आप खुद का content भी डाल के बना सकते हो उसको and उसको ज़्यादा time भी नहीं लगता buffer होने के लिए वो सारी चीज़ें तो बहुत easy है Like, haters gonna hate if we say that's the phrase. Haters will hate whatever you do. So like, you have to be confident, and I guess they are really very confident about what they are doing, and that's great, yaar. नहीं दुनिया में कोई भी चीज़ जो भी popular होती है उसके लिए hate तो आता ही आता है जब दुनिया में कोई भी चीज़ जब trending पे आती है जब गाड़ी trend पे आई थी तो गाड़ी को भी लोगों ने hate किया starting में कोई भी new चीज़ आती है जब internet भी आया था new तो उसको भी लोगों ने hate किया था जो letters भेजते थे तो कोई भी चीज़ trending होती है उसके लिए hatred भी होती है उसके फायदे भी होते हैं तो सही है ऑलरेडी लोगों को इतना प्यार मिल रहा है और हम सब भी यही चाहते हैं कि और ज्यादा ट्रेंड हो और ज्यादा शेयर करें लोग और ज्यादा सपोर्ट करें लाइक्स मिले और राम जी को हैप्पी बर्थडे एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस